गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, और आज हम पार्ट थर्ड लेके आ गए परसेंटेज का। और आज मैं बात करने वाला हूँ सक्सेसिव डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में, यानी क्रमागत बढ़ोतरी और क्रमागत अगर किसी भी रेट में कमी हो रही है। और आपको वो चीज़ें क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे, जब एक साथ दो डिस्काउंट दिए जाते हैं या तीन डिस्काउंट दिए जाते हैं तो उनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य यानी 100 रुपये है, तो उस पर एक डिस्काउंट दिया गया 10% का, ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट भी दिया गया कितने परसेंट का, 10%। तो एक बात अगर मैं कहूँ इसको, अगर क्रमागत की बात ना करें, सक्सेसिव की बात ना करें, तो 20% का डिस्काउंट हो गया 10+10%, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट हो गया और 100 रुपये की वस्तु 20% की डिस्काउंट काट करके कितने की हुई आपकी, अगर 100 से 20 रुपये की माइनस कर देंगे तो ये वस्तु कितनी हो गई आपकी, 100-20 यानी 80 रुपये की वस्तु आपको मिल जाएगी। लेकिन ये तो चीज सामान्य अर्थ में बात, लेकिन अगर हम बात करें क्रमागत यानी सक्सेसिव की, क्रमागत की बात करें, क्रमागत की बात करें तो यहां पर ये मेथड कुछ अलग हो जाता है। देखिए क्रमागत कैसे निकालते हैं, अभी भी जो वस्तु 100 रुपये की थी और दो डिस्काउंट देने के बाद 80 रुपये की मिल रही थी, ये सामान्य अर्थ में बात कराता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर क्रमागत की बात करें, क्रमागत डिस्काउंट की बात करें, तो पहले 100 रुपये पे 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, यानी 90 की वस्तु हो जाएगी, 10 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। अब जो 90 की वस्तु है उस पर फिर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है, यानी 0 से 0 ये 9 रुपये कम हो जाएगी, तो 90 में से 9 गए तो आपको 81 रुपये की वस्तु मिलेगी। अभी आपको यहाँ पर मिल रही थी 80 रुपये की और यहाँ पर मिल रही है वो 81 रुपये की, यानी 81 रुपये की। तो सक्सेसिव में और एक सामान्य डिस्काउंट में दोनों में बड़ा डिफरेंट है। एक क्वेश्चन लेके बात करता हूं मैं आपसे, यहाँ देखिए, देखो क्रमागत को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो परसेंटेज बेस से निकालेंगे। देखिए पहले आपको कोई वस्तु 100 रुपये की मिल रही थी और उस पर दो डिस्काउंट दिए गए, एक 10% का दिया गया और एक 20% का दिया गया, ठीक है। अगर हमें एक क्रमागत डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, एक मूल डिस्काउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 10+20+10×20/100। देखिए 10 और 20 कितने हो गए, 30, ठीक है, प्लस 0 से 0 ये यहाँ पे कितना बचेगा, 32% का एक मूल डिस्काउंट हो गया या क्रमागत डिस्काउंट हो गया। आप 32% का निकाल लीजिए तो आपको वो वस्तु 32 रुपये कम में मिलेगी। तो ये तो थी केवल क्रमागत डिस्काउंट की बात। अब एक क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, देखिए कि भारतीय रेलवे ने अपने किराए में 14% की वृद्धि कर देता है, कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 14% की वृद्धि कर देता है और 10% का बजट में भी वृद्धि हो जाती है। देखिए एक तो 14% की किराए में वैसे वृद्धि कर दी उन्होंने, ठीक है, और एक 10% की वृद्धि बजट में हो जाती है। तो हमको पूछा गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा किराए में शुद्ध बढ़ोतरी याद कीजिए। देखिए या तो आपको वर्ड दिखाई दे क्रमागत या फिर आपको पूछ ले शुद्ध बढ़ोतरी क्या होगी। देखिए यहां इसको करने के दो तरीके, इसको करने के दो तरीके बताऊंगा। एक पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर आपको मैं इसको शॉर्ट फिक्स से कैसे करेंगे वो बताऊंगी, ठीक है। कोई वस्तु या कोई टिकट 100 रुपये की थी पहले, ठीक है, टिकट का जो किराया था वो 100 रुपये था, ठीक है दोस्तों। अब उन्होंने क्या किया कि 14% की वृद्धि कर दी, 14% की वृद्धि कर दी, यानी 100 का अगर 14% निकालेंगे तो 14 रुपये की वृद्धि होगी, यानी अब जो किराया है वो 114 रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि 10% की बजट में वृद्धि होगी, तो 14 का 10% निकालेंगे तो 11.4 रुपये आ गए, यानी अब जो टोटल अगर बात करें हम टोटल वृद्धि हम क्या करेंगे तो 125.4 रुपये का टिकट हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले मैंने 100 का 14% निकाला 14 रुपये हो गया तो 114 की टिकट हो गई, फिर मैंने 10% निकाला 114 का तो 11.4 आया और टोटल जो वृद्धि हुई वो 100+25.4 की वृद्धि हुई, ठीक है। ये तो था एक बेसिक मेथड। अगर इसको हमें साधारण तरीके से शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हमें प्रारंभिक मूल्य से कोई मतलब नहीं है कि कितना मूल्य था उसका पहले, ठीक है ना, हम केवल देखेंगे कि उसमें वृद्धि कैसे हो रही है। पहले हुई 14%, ठीक है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, ठीक है, फिर हुई कितने की 10% की, प्लस लेंगे, प्लस
14 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। देखिए 14 और 10 कितने होते हैं 24 प्लस यहां से अगर निकाले तो 1.4 आता है, तो 1.4 ऐड कर देंगे तो 25.4 रुपए की वृद्धि या क्रमागत डिस्काउंट ये हो जाएगा, ठीक है, या क्रमागत वृद्धि इसको कह सकते हैं। तो जब पहले टिकट थी 100 रुपए की, अब उसमें 25.4% की वृद्धि हुई यानी प्लस 25.4 जुड़ जाएंगे, तो अब जो टिकट का किराया है वो कितने का होगा 125.4 रुपए का, ठीक है। ये इसका शुद्ध मूल्य हम शुद्ध किराया हम निकाल सकते हैं इसका, तो आपका ऑप्शन में 125.4 इसका आंसर सही है, ठीक है। आपकी किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाती है 20% की वृद्धि कर दी गई है ना। मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की थी और 100 रुपए में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि कर दी गई तो वस्तु 120 रुपए की होगी मान लो, लेकिन उसी वस्तु के मूल्य में फिर 20% की कमी कर दी जाती है, ठीक है। एक तो 20% की पहले वृद्धि कर रहा है फिर 20% की कमी कर रहा है, तो ये पूछ रहा है कि शुद्ध हानि या लाभ, या तो उसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये सिंपल सा, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा और हमेशा मूल्य में हानि होती है, ठीक है, क्या होती है मूल्य में हानि होती है। तो मैं आपको अपने शॉर्टकट से ही बता देता हूँ, देखिए पहले 20% की क्या हुई वृद्धि हुई यानी प्लस 20 ले लेंगे, फिर 20% की क्या होती है हानि होती है तो माइनस 20 ले लेंगे, प्लस 20 × 20 डिवाइड बाई 100। देखिए ये प्लस की है और ये माइनस की, दोनों कट गए, ठीक है, यहाँ 0 से 0 कट गई और ये 0, तो 2×2=4, तो 4% की हमेशा और हमेशा क्या आती है हानि है, ठीक है, 4% की इसमें क्या होगी मूल्य में हानि आएगी हमेशा। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा और हमेशा केवल और केवल क्या होती है हानि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट्स अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 डिस्काउंट एक साथ दिए गए हैं, क्रमागत डिस्काउंट दिए गए, अभी हम केवल दो डिस्काउंट की बात कर रहे थे, ठीक है, कि पहले एक डिस्काउंट दिया गया दूसरा डिस्काउंट दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर हमको अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगला क्वेश्चन अभी तक तो हम केवल वहां पे 2 डिस्काउंट दिए गए थे, 2% छूट दी गई थी या 2% पहली बार तो वो वृद्धि करवा रहा था एक बार, फिर एक बार कमी करवा रहा, लेकिन अब के क्वेश्चन में यहाँ पर 3 छूट दी गई है आपको, किसी वस्तु के क्रमागत 3 छूट दी जाती है, पहली भी कितनी है 20% की और दूसरी भी कितनी है 20% की और तीसरी भी 20% की है, तो अब वस्तु के मूल्य में हुई कमी याद करनी, ठीक है। देख लीजिए पहले मान लो वस्तु कितने रुपए की थी 100 रुपए की थी, ठीक है, उस पर हमें 20% की छूट मिल गई यानी 20 रुपए की छूट मिल गई, तो वो अब वस्तु कितने की हो गई 80 रुपए की हो गई, ठीक है। अब 80 रुपए पर 20% की छूट निकालेंगे, ठीक है, फिर 80 रुपए पर 20% की, अब जो भी मूल्य आएगा फिर उस पर छूट निकालेंगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा हो जाता है लेंथी। अगर इसका शॉर्ट तरीका देखा जाए तो देखिए पहले हम केवल 2 छूट देके चलते हैं, पहली 20% की प्लस है ना प्लस दूसरा 20% की और प्लस कर लेते हैं 20 × 20 डिवाइड बाई 100। देखिए 20 × 20 = 40 प्लस 0 से 0 और 4% यानी 44% की छूट मिल गई। अब देखिए अब एक तो थी 44% की और एक होगी 20% की, अब क्या करेंगे 44 + 20 + 44 × 20 डिवाइड बाई 100। देखिए 44 और 20 64% हो गया प्लस, देखिए यहाँ 0 से 0 काट सकते हैं अपन, ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर लीजिएगा इसको 10 करना है तो ये हो जाएगा आपका यानी 2 से 5 और ये आप पे आ गया 8.8, ठीक है, तो 8.8 प्लस 64 जोड़ लीजिए कितना हो गया 72.8% की छूट यहाँ किसी वस्तु के मूल्य पर मिल गई, यानी अब वस्तु मान लो पहले कितने रुपए की 100 रुपए की थी तो 72.8 रुपए अब माइनस हो जाएगी उसमें से। तो ये था सक्सेसिव डिक्रीज करने का, या फिर 3 क्रमागत जब छूट हो तो किस तरह से निकाले एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए जब आपको 3 छूट दे रखी हो तो पहले 2 छूटों को आप निकाल लीजिए, देखो पहले +20 + 20 + 20 × 20 डिवाइड बाई 100 कर लिया तो 44% की छूट आ गई, अब 20% और बचा और प्लस 44% इन दोनों कर लीजिए 44% + 20% + 44 × 20 डिवाइड बाई 100 तो आ जाएगा 8.8
और इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका जाएगा 72.8% की छूट आपको इसी वस्तु पर मिल जाएगी। ठीक है, ये अभी मैंने आपको जनरल तरीका बताया केवल, है ना, क्रमागत छूट निकालने का या क्रमागत डिस्काउंट निकालने का, क्रमागत परसेंट निकालने का। आगे से भी और टफ वाले क्वेश्चन और अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन कराने जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इस चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है ना, कमेंट करो आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।